हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूर। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ओरल हेल्थ एजुकेशन एंड डेंटिस्ट्री। टॉपिक ऑफ द डे इज क्राउन डाउन एंड स्टेप बैक टेक्निक। जैसे कि आप जानते हैं, हम रूट कैनाल सीरीज कर रहे हैं। दिस वुड बी वीडियो नंबर 6 ऑफ द रूट कैनाल सीरीज और वीडियो नंबर 65 होगा ये हमारे चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल का कोई वीडियो नहीं देखा तो पहले तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टॉपिक ऑफ द डे इज स्टेप बैक टेक्निक एंड काउंट डाउन टेक्निक। दोनों ही टेक्निक अच्छी हैं। स्टेप बैक की अगर बात करें वो 1960 में आई थी, उसके बाद वो चल रही है तब से। और काउंट डाउन की बात करें तो वो न्यू टेक्निक है। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सी बेस्ट है आपके लिए, ये आज हम बात करेंगे। अगर आपने BMP बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन का कोई वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक मोलर के पर्सपेक्टिव में है, एक सेंट्रल इंसाइजर के पर्सपेक्टिव में है। बोथ हैंड फाइल्स एंड रोटरी दोनों की मैंने वीडियो डाल दी हैं। आई होप कि आपने वो देख ली हो। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में टैग कर दूंगा और उन्हें वीडियो को देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए ताकि आपको ये वीडियो समझ आए। तो पहले बात करेंगे हम स्टेप बैक टेक्निक की। जो स्टेप बैक टेक्निक है उसमें हम, अगर हम दांत की बात करें, सपोज़ हम इस दांत की बात कर रहे हैं, ये वही दांत है जिसमें हमने BMP ऑलरेडी करा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं इस दांत को, तो इस दांत की अगर हम बात करें तो स्टेप बैक का मीनिंग है कि हम स्टार्ट करेंगे अपाइकल रीजन से, मतलब नीचे से, और फिर जाएंगे ऊपर की तरफ। इसमें जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है वो हैंड फाइल्स होती हैं और हम सबसे छोटी फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी फाइल मतलब 10 नंबर, फिर हम 15 नंबर जाएंगे, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40 तक जाएंगे, है ना। तो जो हमारी मास्टर फाइल होगी वहाँ तक हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें इसका फ़ायदा ये है कि हम छोटी सी फाइल से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। फ्रॉम अपाइकल रीजन, जो है जो नीचे वाला रीजन है अपाइकल रीजन, वो हम पहले कर रहे हैं प्रिपेयर। और जो क्रोनल रीजन है, जो अपाइकल रीजन है उसे हम पहले कर रहे हैं प्रिपेयर, और जो क्रोनल रीजन है उसे हम बाद में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है स्टेप बैक, पहले हमने जो प्रिपेयर करा 10 नंबर फाइल से, हमने पेटेंसी डेवलप की, उसके बाद हम मास्टर फाइल प्रिपेयर करने के बाद, मतलब 25 नंबर की फाइल को प्रिपेयर करने के बाद, हम 30, 35, 40 नंबर जो फाइल है वो एक एक mm शॉर्ट कर करके प्रिपेयर करेंगे, ताकि जो जो शेप है कैनाल की वो प्रॉपर आए और हम एक एक स्टेप बैक आएंगे, 1 mm बैक आएंगे। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं स्टेप बैक टेक्निक। ये टेक्निक थोड़ी पुरानी है, 1960s की है, लेकिन ये टेक्निक अच्छी है और अच्छा वर्क करती है। लेकिन अब हम बात करेंगे मॉडर्न टेक्निक के बारे में, क्राउन डाउन टेक्निक के बारे में। ये इस टेक्निक के कम्प्लीटली अपोजिट है। इसमें हम उल्टा चलते हैं, मतलब क्रोनल जो पार्ट है, क्रोनल पार्ट जो है वहाँ से नीचे की तरफ। तो हम पहले जो प्रिपेयर करेंगे वो क्रोनल पार्ट करेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए जो शॉर्ट कमिंग्स हमारी स्टक बैक टेक्निक में थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हम सबसे पहले कोरोनल फ्लेयरिंग करते हैं, जो ऑरिफिस एंड लार्जर फाइल होती है। अगर हम फाइल्स की बात करें तो मोस्टली इसमें हम रोटरी फाइल यूज़ करते हैं, तो रोटरी फाइल्स में ऑरिफिस एंड लार्जर वाली फाइल होती है, उससे हम ऑरिफिस एंड लार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम हैंड फाइल्स की बात करें तो ऑरिफिस एंड लार्ज करने के लिए हम पहले ड्रिल्स होते हैं, ये गिल्डन ड्रिल्स आती हैं, उससे हम ऑरिफिस जो रीजन है, कोरोनल रीजन जो है, उसे हम पहले एनलार्ज कर लेंगे। जैसे वो एनलार्ज हो जाएगा कोरोनल एरिया, तो हम साथ साथ इरीगेट करते रहेंगे और फिर हम, ऑल दो हमने पेटेंसी जो है 10 नंबर या 15 नंबर की फाइल पेटेंसी हमने ऑलरेडी डेवलप कर ली होगी, उसके बाद ही हम क्रोनल फ्लेयरिंग करेंगे। तो क्रोनल एरिया जब साफ़ हो जाएगा तो साथ साथ में हम इरीगेट करते रहेंगे, तो जो एरिया साफ़ होगा उतना ही क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो अपाइकल रीजन है वो बहुत अच्छी तरह साफ़ होता है, उसकी विड्थ बड़ी अच्छी तरह से बनती है और उसकी क्लियरेंस बहुत अच्छी तरह होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेप बैक। एक तो जो इरीगेंट्स है वो नीचे फ्लो नहीं होंगे, साथ साथ में साफ़ होते रहेंगे ऊपर से ही, तो हम ऊपर से ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है और जनरली लोग दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स थी स्टेप बैक की, इसीलिए तो क्राउन डाउन जो टेक्निक है वो डेवलप हुई ओवर द टाइम, ये टेक्निक आई। तो स्टेप बैक और काउंट डाउन की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो जो स्टडीज़ हमें बताती हैं कि क्राउंट डाउन जो टेक्निक है उसके काफ़ी रिजल्ट अच्छे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, क्योंकि काउंट डाउन जो है वो ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, क्राउन रीजन से, क्रोनल एरिया से हम नीचे जा रहे हैं। क्रोनल एरिया से फ्लेयरिंग करेंगे फाइल से,
यहाँ गेट डिन ड्रिल से, उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे फाइल नंबर यूज़ करके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखा दिया है। स्टेप बैक की बात करें तो वो टेलीस्कोपिक, उसको एक बोलते हैं कि पहले नीचे से हुआ, फिर हम ऊपर आए 1 mm मास्टर फाइल, एक बार जब वो पहुंच गई उसके बाद हम 1-1 mm छोड़ के उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो टेक्निक भी अच्छी है, बुरी टेक्निक वो भी नहीं है, लेकिन काउंट डाउन टेक्निक के एज़ कम्पेयर टू स्टेप बैक टेक्निक एडवांटेजेस ज़रूर है। अगर आपको इन दोनों टेक्निक्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या मुझे मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये है। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डिजिटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड सी यू टुमारो।